नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, हमेशा की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को आज एनालाइज करेंगे, और कल के जो होमवर्क थे लास्ट टू क्वेश्चंस, वो काफ़ी लोगों के आंसर सही हैं। आज के थोड़े टफ क्वेश्चंस रहे हैं लास्ट टू क्वेश्चंस, देखते हैं क्या होता है, कौन सही जवाब देता है कौन नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन विद अनिल MCQ फॉर PGT TGT DSSSB NVS KVS HTET और CBSE। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक परीक्षण अवधि में किए गए कुल कार्य के रूप में भी जाना जाता है। द टोटल वर्क डन इन अ ट्रेनिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। तो क्या कहते हैं उसको, सही बताया, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मतलब कि घनत्व, मतलब कि उसमें टाइम रेस्ट कितना दिया है उसने, रेस्ट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता किसी भी चीज़ को करने की स्पीड, जैसे मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसने 100 मीटर भागा। ठीक है, तो 100 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, तो आयतन हो गया, क्योंकि ये टोटल मेहनत करी है उसने। और किस तीव्रता से करी है, किस इंटेंसिटी से, तो 10 मीटर पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो कितनी बार में करी है उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, लोग अक्सर चिन अप व्यायाम करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। पीपल फ्रीक्वेंटली डू चिन अप्स एक्सरसाइजेज विद द इंटेंशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग मसल्स सच एज। तो कौन सी मसल्स को पावरफुल करने के लिए हम चिन अप करते हैं, तो सही बताया, लैटिसमस डोर्सी एंड बाइसेप। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लोग ये हमारी चिन अप की शेप रहती है कुछ। ठीक है, इसके हम एक बार ऊपर जाते हैं एक बार नीचे आते हैं, तो इसमें करते टाइम एक तो यहाँ ज़्यादा लोड पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक तो यहाँ ज़्यादा लोड आता है और यहाँ पे विंग्स में। ठीक है, डेल्टॉइड में भी आता है लेकिन वो इतना काउंट नहीं होता, मेन ये दोनों रहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अभानी क्लब के लिए खेलते हुए बांग्लादेश में मैदान पर किस क्रिकेटर की मृत्यु हो गई। विच क्रिकेटर डाइड ऑन द फील्ड इन बांग्लादेश वाइल प्लेइंग फॉर अभानी क्लब। तो किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, सही बताया, रमन लांबा, इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी बांग्लादेश में खेलते खेलते, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन, एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट, फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो किसने जीता है दोस्तों एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पहला, सही बताया, कमलजीत संधू ने। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्लाइंग फिन या फैंटम फिन किसे कहा जाता है, हु इज़ कॉल्ड फ्लाइंग फिन और फैंटम फिन। तो किसे कहते हैं, तो सही बताया, पावो नुर्मी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पावो नुर्मी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एक डोमिनेंसी थी इनकी, मतलब कि इनका प्रभाव था काफ़ी उस टाइम पे, और 1924 मतलब कि पेरिस ओलंपिक में ये पहले एथलीट बने थे जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी, कई बार करा चुका हूँ, 1951 में। सेवन्थ क्वेश्चन, 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पीटी उषा ने कितने स्वर्ण पदक जीते, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड पीटी उषा विन इन द 1986 सियोल एशियन गेम्स। तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे ये पूछा है, तो 4 हमारा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अगर ये पूछता कि कितने टोटल मेडल पूछता, तो 5 होते क्योंकि एक साथ में सिल्वर भी था। ठीक है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन, भारत पहली बार डेविस कप के फाइनल में पहुँचा, इंडिया रीच द फाइनल ऑफ द डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो कब पहुँचा था दोस्तों, 1966 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डेविस कप आपका टेनिस का होता है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स। तो कौन है दोस्तों, सही बताया, दीपा मलिक। ठीक है,
पैरों की डिसेबिलिटी है इनके, इसलिए पैरालंपिक खेलती हैं। और इनका जो गेम है जेवलिन थ्रो, तो गेम भी पूछ सकता है, थोड़ा टफ पूछना होगा। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लड़कियों के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी है? द हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर गर्ल्स इज, तो गर्ल्स के लिए कितनी होती है दोस्तों? सही बताया आपने, 2.24। और बात करूँ मैं अगर मेंस की, मतलब कि मेल्स की, तो कितनी होती है? 2.43। ओके दोस्तों, और उस दिन काफ़ी डाउट था बच्चों को, जैसे वॉलीबॉल नेट है ये आपका पोल लगा हुआ है, तो लोग कह रहे थे कि एंटीना का कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंटीना क्या करता है और क्या है। तो देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, ये होता है हमारा 1 मीटर, और इसके ऊपर की ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये होती है आपकी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने हो गए 1 मीटर को, चाहे आप यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिख लो, तो 180 सेंटीमीटर का मतलब कि टोटल कंप्लीट एंटीना यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट एंटीना कितना होता है? तो 180 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 1.8 मीटर, ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन, 1985 के जकार्ता एशियाई चैम्पियनशिप में पीटी उषा ने कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा वॉन इन 1985 जकार्ता एशियन चैम्पियनशिप? देखो टोटल की बात कर रहा है कि टोटल कितने जीते थे, तो टोटल 6 जीते थे, ठीक है, जिनमें गोल्ड मेडल कितने थे, तो हमारे 5 थे। याद रखें मैंने पिछली बार गलती से 5 ही बताया था, हालांकि उसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि गोल्ड मेडल कितने जीते थे, गोल्ड मेडल पूछे तो इसका लास्ट का यही आंसर हो जाएगा 5, लेकिन टोटल मेडल पूछे तो 6 थे, ठीक है दोस्तों। 12th क्वेश्चन, मैस्लो के पदानुक्रम में किसकी आवश्यकता सार्वजनिक रूप से एक महान छवि बनाने की इच्छा और को दर्शाती है? विच नीड इन मैस्लोज हायरार्की रिफ्लेक्ट्स अ डिज़ायर फॉर मेकिंग अ ग्रेट इमेज इन पब्लिक, तो कौन सी है दोस्तों? वो सही बताया, एस्टीम की। जब आप सोचते हो कि मेरे को समाज में बहुत ऊपर दिखना है, मेरे को अलग दिखना है, सबसे पावरफुल दिखना है, तो वो एस्टीम की सिचुएशन होती है आपकी। 13th क्वेश्चन, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन डैश वर्ष में स्थापित किया गया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन रिक्रिएशन स्टैब्लिश्ड इन डैश ईयर, तो कौन से ईयर में हुआ था? सही बताया, 1950 में हुआ था, ठीक है। और 1954 में, जैसे कि दिया है, तो 1954 में क्या हुआ था? तो ऑल इंडिया काउंसिल हुई थी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है दोस्तों। 14th क्वेश्चन, 1984 में क्या स्थापित हुआ था? व्हाट एस्टैब्लिश्ड इन 1984, तो 1984 की बात कर रहा है, क्या हुआ था दोस्तों? सही बताए, ए और बी दोनों हुए थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी 1984 में बना था, और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी 1984 में आई थी। और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष कब बना था? तो 1982 में बना था पहली बार, ठीक है। 15th क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स एक डैश शब्द है, बायोमैकेनिक्स इज अ डैश वर्ड, तो क्या है बायोमैकेनिक्स? सही बताएं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 16th क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया जिससे उसे कांस्य नहीं मिला? विच इंडियन एथलीट सिक्योर्ड फोर्थ प्लेस इन द 400 मीटर हर्डल्स एट द ओलंपिक्स नैरोली मिसिंग अ ब्रॉन्ज, तो कौन थे वो? सही बताए, पीटी उषा का रह गया था हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है दोस्तों, ओलंपिक्स में। 17th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, विश्व स्तर के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या है? व्हाट इज़ द मिडल नेम ऑफ द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के बीच में एक वर्ड और आता है, वो पूछ रहा है क्या है? तो सही बताया आपने, रमेश है, ठीक है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 18th क्वेश्चन, गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस अकर्स एट, तो कहाँ होता है गैस का एक्सचेंज, ये पूछ रहा है ये, तो सही बताया आपने, एल्वियोली में होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं होता, अक्सर आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, बोर्कियोलिस। 19th क्वेश्चन,
पहला आपका होमवर्क है, ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित किया गया? इन व्हाट ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हेल्ड? तो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ऑप्शन भी हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करा करें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करा करें, उससे मुझे आइडिया होता है कि कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 20th क्वेश्चन, डिक फॉसबरी ने हाई जंप इवेंट में फॉसबरी फ्लॉप शैली का आविष्कार किया था। डिक फॉसबरी हु इन्वेंटेड फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप इवेंट बिलोंग्स टू? तो ये कह रहा है हमें पता है फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल का इन्वेंशन किसने करा था, तो डिक फॉसबरी ने करा था। तो इनके ये प्लेस पूछ रहा है कि ये कहाँ के थे। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन, रूस, यूएसए या इंग्लैंड, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।